अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल गोश। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। मैंने कुकर में 1 किलो मटन ली हूँ धोकर। इसमें मैं डालूंगी आधा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। इसमें मैं डालूंगी आधा गिलास पानी। अभी मैं इसमें ढक्कन लगाकर 3 सीटी ले लूंगी। दूसरे गैस पे अभी हम दाल रखेंगे। दाल गलने के लिए मैंने ली हूँ 2 कप चने की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप तुअर की दाल। तीनों दाल को अब मैं धो के ले लूंगी। दाल मैंने धोकर ले ली हूँ और उसमें 2 गिलास पानी डालकर, और इसमें मैं अभी आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। अब इसको भी मैं ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी ले लूंगी। गोश्त को 3 सीटी हो चुकी है, गोश्त गल गया है। अब हम दाल चेक कर लेंगे। दाल भी हमारी गल चुकी है। चम्मच की मदद से मैं दाल को घोट लूंगी। दाल घोटकर हमारा हो चुका है, हमें ऐसे ही चाहिए। दाल गोश्त बघारने के लिए मैंने टोप में तेल डाल के रखी हूँ। तेल गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 तेज पत्ता और 2-3 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग। अभी इसमें मैं डालूंगी 5 से 6 हरी मिर्ची और 2 बारीक कटे हुए प्याज। अभी हम प्याज को हल्का सा लाल होने तक के पकाएंगे। प्याज लाल हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 4 टमाटर, इसको मैंने बारीक काट के ले ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लूंगी। अदरक लहसुन भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से भून लूंगी। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में। मसाला अच्छा भुनने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी दूधिया। और डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ी पुदीना। अभी दूधिया गलने तक के मैं इसे पकाऊंगी। अभी हम इसे बारीक गैस पे ही पकाएंगे ढक्कन ढककर, और पूरा दूधिया गलना चाहिए। ढक्कन हटाकर हम देख लेंगे दूधिया गला है कि नहीं। दूधिया हमारा आधा गल चुका है। इसमें मैं डालूंगी उबला हुआ मटर। इसे अब मैं 5 मिनट मसाले में भून लूंगी। देखिए 5 मिनट भूनने के बाद दूधिया हमारे गल चुके हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी दाल। इसमें अभी मैं डालूंगी इमली का पानी। इमली का पानी मैं लास्ट टाइम इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि इमली अगर मैं पहले डालती तो दूधिया नहीं गलता। इसके लिए कभी भी इमली हमें लास्ट में ही डालना है। इसमें अभी मैं डालूंगी नमक। गोश्त में भी हमने नमक डाले थे, इसके लिए देखकर ही डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। no.
अभी इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी आप आपके हिसाब से डालिए, कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला चाहिए। इसमें मैं एक गिलास पानी डाली हूँ, ये देखिए हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। अभी मैं इसमें ढक्कन ढककर एक उबाल आने तक के पकाऊंगी। दूधिया और गोश्त हमारा दोनों ही सब गल चुके हैं, खाली एक उबाल आने तक के ही हमें पकाना है। इसमें देखिए उबाल आ चुका है, अभी मैं इसमें ऊपर से कोथमीर डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। और फिर अब हम इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने पैन में घी ली हूँ, इसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा, तीन सूखी मिर्ची, अभी मैं इसमें डालूंगी पाव चम्मच मिर्ची पाउडर और गैस को बंद कर दूंगी। अब इसमें डालूंगी बगार, दाल गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह दाल गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना दाल गोश्त कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।